सुप्रीम कोर्ट ने सभी वीवीपैट पर्चियों की जांच किए जाने की मांग को लेकर लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस मामले में दखल किया दिया गया तो इससे लोकतंत्र को नुकसान होगा। दरअसल चेन्नई के टेक फॉर ऑल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि तकनीकी तौर पर वीवीपैट से जुड़ी ईवीएम सही नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। साथ ही याचिकाकर्ता ने गोवा और उड़ीसा के अलावा ईवीएम मशीन को में गड़बड़ी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से सभी ईवीएम का वीवीपैट से मिलान करने की मांग की थी। वहीं इससे पहले 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान को लेकर सुनवाई हुई थी। इस दौरान विपक्ष की ओर से दाखिल की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। विपक्ष की मांग थी कि 50% वीवीपैट पर्चियों को ईवीएम से मिलान का आदेश चुनाव आयोग को दिया जाए।